हेलो एवरीवन, आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहाँ स्टडी क्लासेस। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 ऑफ चैप्टर D1, और यू कैन से दैट इज सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म फर्स्ट। ठीक है, इसे इन शॉर्ट आप D1 भी कह सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने प्रीवियस वीडियो में देख रखा है। अगर आपने सबसे स्टार्टिंग वाली वीडियो इस चैप्टर की नहीं देखी है तो वो जरूर देखना, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जो भी रूल्स फॉलो होते हैं वो आप अच्छे से समझ पाओ, जिसमें मैंने स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस बनाए हुए हैं 1, 2, 3 वगैरह, वो वाला वीडियो जरूर देखना। क्योंकि अगर एक बार आप रूल अच्छे से समझ गए ना, कंसेप्ट क्या फॉलो हो रही है अगर वो अच्छे से समझ गए, तो आप इजिली किसी भी चीज़ को बना सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, बुक जरूर पढ़ना, चैप्टर पढ़ने के बाद ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाना स्टार्ट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन है क्या, तो गिवन क्वेश्चन इज ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 2017, देयर बैलेंस शीट वॉज ऑन दैट डेट। देखिए, ये दोनों पार्टनर हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि ये लोग डिसॉल्व करेंगे, जो भी इनकी बैलेंस शीट की पोजिशन है वो सारी चीज़ें दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन देती है इसे हमें ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा एसेट्स कितना रियलाइज कर रहा है। मैंने आपको एक चीज़ बताया कि जैसे कि ये बैलेंस शीट है किसी चीज़ का और नीचे में उसका इन्फॉर्मेशन देता है, तो अगर नीचे में जो है किसी भी क्रेडिटर के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है या किसी एसेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो समझ लीजिएगा कि वो एसेट्स और क्रेडिटर जो बैलेंस शीट के अंदर है लेकिन बाहर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, वो अपने बुक वैल्यू पर ही, जो अंदर में है जिसका अमाउंट है वो उतना पे ही रियलाइज हो गया है। ठीक है, लिखते सारे को है, तो जो जो चीज़ें दी गई है यहाँ पर, उसके बाद कोई और जो है, जैसे बी है वो फर्नीचर ले ले रहा है इतने का, ए जो है वो 5000 जो है फुल सेटलमेंट लोन अकाउंट का कर ले रहा है। हमें क्या करना है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिया ही हुआ है, हमें प्रिपेयर क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर, ए लोन अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। नॉर्मली अगर सिर्फ दे नेसेसरी अकाउंट तब तो रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक अकाउंट बनाते हैं, लेकिन अगर और भी चीज़ें मेंशन कर दें जैसे इसमें लोन है और कह रहा है लोन अकाउंट, तो ये भी हमें बनाना पड़ेगा। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। फॉर्मेट आपको पता है कि यहाँ पे पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ये DR साइड होगा, ये CR साइड होगा, अगर डेट होता है तो आप डेट की भी कॉलम बना सकते हो। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट से स्टार्ट करते हैं, ये है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट 11 नंबर का। नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आप चाहो तो अलग अलग A का पहले बना लो फिर B का अकाउंट ऐसे बना लो, या एक में ही कॉलम बना करके बना सकते हो। बुक अच्छे से पढ़ लेना, एंट्रीज वगैरह रूल, फिर आप ये इजी, बहुत ही इजी चैप्टर है, इजीली से बना सकते हो। DR एंड CR साइड हो गया पार्टनर्स कैपिटल का। नाउ नेक्स्ट बैंक अकाउंट देखते हैं, DR साइड एंड CR साइड, और उसके बाद ए लोन अकाउंट। और ये मैंने आपको बताया है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है कि जो भी चीज़ें हैं वो DR साइड में, DR साइड में लिखो, CR साइड की वैल्यू CR साइड में लिखो, ओवरऑल दोनों तरफ ऐड करने पे जो डिफरेंस आता है ना, जिधर भी उधर बैंक अकाउंट लिख करके बैलेंसिंग फिगर लिखते हैं, तो लास्ट में जो बैंक अकाउंट आता है DR हो या CR में, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे कि ये अमाउंट आया कहाँ से। पहले सारी अमाउंट लिख लो जितनी है DR एंड CR की, दोनों तरफ की जब एक ही इधर की ऐड करोगे एक ही इधर की ऐड करोगे, जो डिफरेंस जिधर आएगा उधर जो है वो अमाउंट लिखते हैं। ठीक है, वहीं बैंक अकाउंट में जाता है बैलेंसिंग फिगर के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। टॉपिक ऑफ द क्वेश्चन नंबर 12 इज अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। अनरिकॉर्डेड एसेट क्या है, यानी कि जैसे ये बुक है इसकी, ठीक है, ये पोजीशन बता रहा है बैलेंस शीट में, इसमें किसी एसेट्स का वैल्यू नहीं दिया है, उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं किया गया है, लेकिन जब डिजॉल्व हो रहा है तो वो सारी चीज़ें देखता है कि कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, तो उसको उस टाइम में मिलता है कि हाँ ये भी मेरे पास एसेट है जो कि रिकॉर्ड नहीं है लेकिन एसेट है। अगर वो बाद में पता चलता है डिजॉल्व के टाइम में, तो उसकी कैसे एंट्री करती है एंड पार्टनर रेम्यूनरेशन का कैसे करता है, ये हमें देखना है। क्वेश्चन में क्या है कि हमें दिया गया है कि एक्स एंड वाई एंड जेड जो है वो पार्टनर्स है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है रेशियो में यहाँ पे दिया है उसमें बांटते हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है रेशियो तो आप इक्वल इक्वल में बांटोगे, ठीक है, और अगर रेशियो दे दिया है तब तो ठीक ही है। उसके बाद ये लोग डिजॉल्व करना चाहते हैं, जो भी मशीनरी है फर्नीचर जितना चीज़ें जितने पर रियलाइज हुई है वो सारी चीज़ें दी गई है। डिस्काउंट जो है वो कह रहा है 5%, क्रेडिटर जो है वो 5% डिस्काउंट पे होगा, तो जो क्रेडिटर की वैल्यू होगी 8000, ठीक है, तो उसको आप क्या करोगे 5% लेस कर लेना, उसके बाद जो अमाउंट आएगा वो होगा हमारा। अब सारी चीज़ें हमारी दी गई है, उसके बाद हमें क्या करना है, अनरिकॉर्डेड एसेट जो है वो 1000 की आ रही है, जो कि टेकन ओवर बाय क्या है, वाई, ठीक है, आपके बुक में बाई मिस्टेक बी दे दिया होगा तो आप वाई कर लेना, क्योंकि यहाँ पे एक्स एंड वाई जो है वो सब पार्टनर्स है, ए भी तो है ही नहीं यहाँ पे। हमें प्रिपेयर क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। DR एंड CR साइड देखेंगे सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट की, बहुत ही इजीली आपको समझना है कि कैसे ये हुआ। ठीक है,
ये हमारा सी आर साइड हुआ। देखिए यही मैं कह रही थी कि जो क्रेडिटर है वो 8000 की थी, ठीक है, लेकिन जब आप उसकी पेमेंट करोगे इस साइड में तो 8000 का जब आप 5% निकालोगे तो आपको कितने निकल के आएगी अमाउंट, 400 निकल के आएगी ना। तो आप 8000 से 400 लेस कर लोगे तो आपका कितना आएगा, 7600, ठीक है। उसके बाद आप बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये इसकी डी आर साइड हुई। नेक्स्ट सी आर साइड, मूव टू द नेक्स्ट बैंक अकाउंट, ठीक है। डी आर साइड एंड सी आर साइड, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इन क्वेश्चन नंबर 13 एस एंड डब्ल्यू आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:1, 4:1 में बांट रहे। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये डिजॉल्व कर लेंगे पार्टनरशिप को, और बैलेंस शीट की पोजिशन दी गई है उस डेट पर। बाकी इन्फॉर्मेशन नीचे का जो भी इन्फॉर्मेशन होता है अच्छे से पढ़ना है। डेटर रियलाइज 90% ऑफ द बुक वैल्यू, यानी जितनी भी डेटर की वैल्यू है उसका 90% पे ही वो रियलाइज हो जा रहा है, ठीक है। ट्रेडमार्क्स दिया हुआ है, गुडविल दिया हुआ है कि कितने में सोल्ड हुआ है। इन्फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ना है कि प्लांट एंड स्टॉक जो है वो क्या हो रहा है, टेकन ओवर बाई एस फॉर 72,000 एंड 18,000 रिस्पेक्टिवली, यानी 72,000 किसके लिए है, प्लांट के लिए, और 18,000 किसके लिए, स्टॉक के लिए है। उसके बाद अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो रहा है जो कि 3000 का है, जो कि सोल्ड हो रहा है 1000 पे ही। डिस्काउंट 400 अलाउ हो रहा है क्रेडिटर को जब पेमेंट हो रहा है, ठीक है। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी दी गई है। हमें प्रिपेयर क्या करना है, नेसेसरी अकाउंट्स, और नेसेसरी अकाउंट्स के अंदर क्या आता है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, ये 3। जब नेसेसरी बोल रहे तो ये 3 हमें बनाना है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट से। सबसे पहले डीआर साइड, नेक्स्ट सीआर साइड, आफ्टर दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डीआर साइड एंड सीआर साइड, एंड एट लास्ट आपको पता है क्या बनाते हैं, बैंक अकाउंट बनाते हैं जिसकी डीआर साइड हुई है, एंड दिस वन इज सीआर साइड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इन क्वेश्चन नंबर 14 द टॉपिक इज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। अभी आपने देखा कि एसेट्स था, अब क्या हो जाएगा कि लाइबिलिटीज भी, मान लीजिए कि पता नहीं है बुक, जब ये हम बनाए हमें पता नहीं है, लेकिन जब लास्ट में डिजॉल्व कर रहे सारी चीज़ें देख रहे हैं कि हाँ क्या क्या हमें रियलाइज करना है, उस टाइम में हमें पता चल रहा है कि ये भी लाइबिलिटीज है, तो उसका पेमेंट कैसे होता है ये हमें देखना है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, पी क्यू आर जो है वो पार्टनर्स है, प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, इसकी पोजीशन है, और सारी इन्फॉर्मेशन नीचे में दी गई है कि कौन सी चीज़ें कितने पे रियलाइज हुई है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें प्रिपेयर करना है रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन्फॉर्मेशन वन बाय वन पढ़ेंगे आप, और बिल्कुल वन बाय एक पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन, उस चीज़ का काम करेंगे आप, इजिली बना सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन वाली चीज़ें नहीं है, ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, फिर बैंक अकाउंट बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट की डीआर साइड से। जैसे जैसे बुक में अमाउंट दी गई है वैसे वैसे वन बाय वन स्टेप आप बढ़ोगे और आप इजीली बना सकते हो। एंड ये हमारा सीआर साइड हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पी क्यू एंड आर की डीआर साइड थी, अब सीआर साइड देखेंगे इसकी, एंड एट लास्ट बैंक अकाउंट डी आर साइड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इन क्वेश्चन नंबर 15 द टॉपिक इज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर्स एंड प्रिपरेशन ऑफ करेंट अकाउंट्स। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि कैपिटल की दो केसेस देती है क्वेश्चन में। अगर दे देता है कि कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है, उस केस में दो दो कैपिटल अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर दे दे कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, फिर तो एक ही बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे करेंट अकाउंट बोल रहा है, मतलब कि क्या है, कैपिटल फिक्स्ड है तभी करेंट अकाउंट भी बनता है। 15 नंबर है, एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो इक्वली है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है बैलेंस शीट की पोजिशन है, और सारी इन्फॉर्मेशन वन बाय वन करके यहाँ पे दी गई है कि कौन क्या पे करेगा, कौन क्या ले रहा है, किस कौन सा एसेट कितने पे रियलाइज हो रहा है। हमें प्रिपेयर क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, करेंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है, तो यहाँ पे करेंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों बनेंगे। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो ये है हमारा सबसे पहले 15 नंबर का रियलाइजेशन अकाउंट, डी आर साइड एंड सी आर साइड। तो आप बनाओगे डी आर साइड बिल्कुल वैसे ही जैसे सब कुछ है, ठीक है। डी आर साइड की सारी वैल्यू लिखोगे, सी आर साइड की
सारी वैल्यू लिखोगे और जो लॉस या प्रॉफिट आएगा अब वो क्या करोगे, क्योंकि आप करंट अकाउंट भी बना रहे हो। तो पहले हम क्या करते थे, नॉर्मल कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, करंट अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, पार्टनर्स का नाम, करंट अकाउंट, उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, करंट अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स की करंट अकाउंट। तो जो भी चीज़ें आप पहले जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती थी, जहाँ पे सिर्फ आपको कैपिटल अकाउंट बनाना होता था, तो आप सारी चीज़ें कैपिटल में लिखते थे, लेकिन यहाँ पे करंट बनाना है तो सारी अमाउंट जो भी रिजर्व वगैरह है सब कुछ क्या करना है आपको, यहीं पे पार्टनर्स करंट अकाउंट में शो करना है। ठीक है, और जो ओवरऑल बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको लेकर के आना है कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। जो अगर उसकी बीडी सीडी वैल्यू है पार्टनर्स कैपिटल में वो लिखेंगे, और जितना हमारा बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर हुआ है उस चीज़ को लिखेंगे। ठीक है, करंट अकाउंट से जो हमारे पास आया, और लास्ट में दोनों तरफ का डिफरेंस करके बैलेंसिंग फिगर बैंक अकाउंट करेंगे। और एट लास्ट आप क्या बनाओगे, डीआर साइड बनाओगे बैंक अकाउंट की, और उसके बाद सीआर साइड बनाओगे बैंक अकाउंट की। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 देखा। आई होप कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।